अच्छा हेलो। हाँ सर, मेरा नाम लोकेश है और मैं नजफगढ़ से हूँ। रोहतक एमडी यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाई करता हूँ। सर, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आप दिल्ली और पंजाब में बिजली पानी मुफ्त दे रहे हैं, जो कि लोगों की बेसिक नीड है, लेकिन सर हमारे देश में संसाधनों की कमी है और मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बिजली पानी को आगे कैसे टैकल करेंगे। और इसके साथ साथ एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, मेक इंडिया नंबर वन में बिजली पानी का क्या योगदान रहेगा? देखो, ये आजकल जो आप अखबारों में भी पढ़ते होंगे कि कुछ लोगों का कहना है कि बिजली फ्री क्यों दे रहे हो जी, पानी फ्री क्यों दे रहे हो। अभी तक नेता क्या करते थे? पैसे खूब कमाते थे, भ्रष्टाचार करते थे, अपने पैसे स्विस बैंक में ले जाते थे, जनता को कहते थे, आप कुछ भी काम कराने जाते थे कहते थे पैसा नहीं है, सरकार घाटे में चल रही है, पैसा नहीं है, सरकार घाटे में चल रही है। हम लोगों ने सरकार बनाने के बाद देखा कोई घाटे में नहीं चल रही, सरकार के पास बहुत पैसा है, सारा पैसा चोरी कर रखा इन्होंने। उस पैसे को बचाना चालू किया हमने। दिल्ली के अंदर हर काम में पैसा बचाते हैं और वो जो पैसा बचा उससे हमने गरीबों की बिजली मुफ्त कर दी, उससे हमने जनता का पानी मुफ्त कर दिया, लोगों के स्कूल बनवा दिए, अपने अस्पताल खूब मोहल्ला क्लिनिक बनाया, इन्होंने 100 मोहल्ला क्लिनिक बना दिया अभी 5 महीने के अंदर, दवाइयां मुफ्त कर दी। आप जितने भी डेवलप्ड कंट्री उठा के देख लो, अभी मैं देख रहा था जर्मनी ने अपने सारे नागरिकों का पूरा ट्रैवल फ्री कर दिया। बड़े बड़े जितने कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने पूरी शिक्षा मुफ्त की हुई है अपने बच्चों की, कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने पूरी स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त की हुई है अपनी, कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने यात्रा मुफ्त की हुई है अपने अपने लोगों की। तो आप मुफ्त तभी कर सकते हो जब आप ईमानदार सरकार चला रहे हो। जो सरकारें मुफ्त नहीं करती इसका मतलब उनकी नीयत खराब है, वो पैसे कमाना चाहती है, स्विस बैंकों में लेना चाहती है। अभी दिल्ली के अंदर आपने सुना होगा, ये हमारे एमएलए खरीदने के लिए, हमारी सरकार गिराने के लिए आए, 20-20 करोड़ रुपए दे रहे थे एक एक एमएलए को। कहां से आया जी ये पैसा? 40 एमएलए खरीदने के लिए 800 करोड़ रुपए लेके आए थे, कहां से आया ये पैसा? सरकार से ही तो निकाला इन्होंने, जो आपका टैक्स का पैसा है, पेट्रोल डीजल का पैसा है, वही तो निकाला इन्होंने। ये चोरी हम नहीं करते, एमएलए हम नहीं करते, एमएलए नहीं खरीदते, सरकारें नहीं गिराते, ईमानदारी से काम करते हैं, सारे काम होंगे। अगर ईमानदारी से होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। मैं एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका कि बिजली फ्री कर दी, संसाधनों की कमी है। आपको जान के ताज्जुब होगा, ये बातें हमें अंदर जाके पता चलती हैं। पंजाब में भाखड़ा डैम है, भाखड़ा नंगल डैम सुना होगा आपने, बिजली वहाँ से आती। आपको यकीन नहीं होगा, वैसे पंजाब में 9 रुपये यूनिट था, जो हमने बंद कर दिया, अब हमने 600 यूनिट, 300 यूनिट पर मंथ, 600 यूनिट तक दो महीने का साइकिल है हमारा बिल का, वो हमने फ्री कर दिया। भाखड़ा यूनिट, भाखड़ा नंगल से सरकार को बिजली कितने की मिलती है? सरकार तो 9 रुपये बेच रही है, सरकार को बिजली कितने की मिलती है भाखड़ा नंगल से? सोच सकते हो, 9 पैसे यूनिट, 9 पैसे यूनिट को टैक्स लगा के टैक्स लगा के ये टैक्स वो टैक्स ये टैक्स 9 रुपए कर देते हैं भाई साहब। और दूसरा, आप ये मत सोचना कि अगर कोई नीरव मोदी बैंक लूट के ले गया, अगर कोई विजय माल्या बैंक लूट के ले गया, वो तो बैंक को ले गया, हमारा क्या ले गया? भाई आपका पैसा ले गया भाई। हाँ, वो कहेंगे टैक्स का पैसा, तो आप कहोगे हम तो टैक्स भरते नहीं हैं, हम तो टैक्स देते नहीं। क्यों नहीं देते? आप सुबह जगते हो, सबसे पहले माचिस, चाय बनानी है, माचिस की तीली जलाई, जा लाइटर जलाया, टैक्स शुरू, उसमें पत्ती डाली टैक्स, उसमें चीनी डाली टैक्स, उसमें दूध डाला टैक्स, खाना खाने के लिए दही टैक्स, आज तो दही भी टैक्स है, लस्सी पीने का दिल करता है जीएसटी में लस्सी भी डाल दी मोदी जी ने, अभी मोबाइल फोन किया टैक्स, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया डीजल पर टैक्स, घर पे आए फिर टैक्स, शाम को रात को सोते समय आप कहते हो शुक्र है अब कोई टैक्स नहीं, अब सो रहा हूँ लाइट बंद करके, नहीं 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 ऊपर पंखा चल रहा है भाई, टैक्स। आप तो टैक्स दे रहे हो 24 घंटे, आप तो सोते हुए भी टैक्स दे रहे हो, तो किसका पैसा फिर लेके गया वो?
जो भी लूट के लेके गया आपका पैसा लेके गया। सो इसलिए अपने आप को हमेशा करदाता मानो कि हम हमारा पैसा है। हम वो कहते हैं ना हमने क्या लेना है जी, हमने क्या लेना। अगर भगत सिंह भी ये सोच लेते हैं हमने क्या लेना है तो फिर देश आजाद कैसे होता। राजगुरु जी ने लिखा था आखिरी, पहली और आखिरी लाइनें लिखी थी उन्होंने। राजगुरु जी ज़्यादा लिखते नहीं थे लेकिन उनको कहा गया भगत सिंह जी द्वारा और सुखदेव द्वारा कि लिख कुछ तो लिखो, तो आखिरी दिन फांसी से आधा घंटा पहले दो लाइनें लिखी थी राजगुरु जी ने, पूना के थे, हिंदी में दो लाइनें लिखी थी कि हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हमें भी माँ बाप ने पाला था दुख सहकर। ये बातें लिखी, आधे घंटे में फांसी हो गई। देखो आप भी जी सकते हो चुप रहकर कि लूटने दो, हमने क्या लेना है। हमने क्या लेना नहीं, हमने ही लेना है, अपने देश की लूट का हिसाब लेना है और यूथ ने लेना है। थैंक यू।